एवरीवन नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल ग्लोरियस शिल्पी। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपने ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। सो आज मेरे घर के सामने जो है पूजा थी, और मैंने इसलिए बता रही हूँ कि मैंने ऐसा गेटअप कर रखा है, और आप सोच रहे होंगे अचानक से यह तो हमेशा कैसे बासी बासी बनकर आती है घर की एकदम घरेलू लड़की, और आज ऐसे एकदम मन ठन के तो, और सिंदूर वगैरह भी लगा हुआ है और काफ़ी अच्छे से तैयार हैं, क्योंकि घर के सामने थी दुरदुरैया पूजा। अभी कौन कौन दुरदुरैया पूजा को जानता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा, और कमेंट ज़रूर करा करिए। आप कमेंट नहीं करते, सारा वीडियो ऐसे देख लेते हो हाथ बांध के, तो कमेंट क्या करिए, लाइक ज़रूर प्रेस किया करिए। तो दुरदुरैया पूजा थी तो मैं उसमें प्रॉपर तैयार होकर गई थी, और ठंड कल इतनी ज़्यादा थी तो मैं उस हिसाब से तैयार हुई कि चलो बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो मैंने ये हाईनेक भी पहन रखा है स्किन कलर का स्कीवी, और फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने ये बहुत सुंदर सी साड़ी पहन रखी है जिसमें बहुत प्यारा सा से वर्क, मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ, ये ऐसा ना पूरी साड़ी में वर्क है, बहुत सुंदर साड़ी, बहुत हैवी भी है। तो बेसिकली वहाँ पर पूरा अच्छे से तैयार होके जाना होता है, मतलब सारे जितने भी एक मैरिड वुमेन को जो भी चीज़ें पैर में आलता चूड़ी बिंदी वगैरह सब कुछ अच्छे से करके जाना होता है, तो मैं वैसे ही गई थी। और ये मैं 5 साल में पहली बार बाहर जाकर ये वाली पूजा करी हूँ, मतलब घर में शादी के बाद तो ये पूजा हुई थी, लेकिन अभी तक मैंने बाहर जाकर एक भी बार पूजा नहीं की थी। तो शादी को मेरे 5 साल हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, टचवुड, तो ये कंप्लीट हो जाएंगे, और इसीलिए जाना भी ज़रूरी था। और ऑफ कोर्स भगवान जी की पूजा थी तो पहली बार गई हूँ और काफ़ी अच्छा लगा। अनगिनत लोग थे, मतलब काउंटिंग में नहीं लोग थे इसमें, उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को बुलाया था, और काउंटिंग में नहीं बुलाया था कि 20 या 30 लोग, जितने भी आ जाए उतने लोगों के लिए पूजा थी। पर कोई भी वीडियो नहीं बना पाई, कोई भी क्लिपिंग नहीं बना पाई, क्योंकि मुझे लगा कि वहाँ पर लोग अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, इसलिए मैंने नहीं बनाई। फिलहाल मैंने सोचा कि घर आते हैं और घर चलकर थोड़ा सा वीडियो बनाते हैं और दिखाते हैं आपको कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी दिनों बाद इतने अच्छे से तैयार हुई हूँ, क्योंकि तैयार तो होती रहती हूँ पर वो शादी के पर्पज़ से तैयार होती हूँ, तो थोड़ा सा वेस्टर्न लुक रख के साड़ी पहनते हैं, लेकिन ये वाला लुक भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। पूजा करो और अच्छे से सिंदूर लगाओ और सब कुछ अच्छे से करो, तो या वहाँ पर अच्छा भी बहुत लगा, और प्रसाद भी काफ़ी सारा, इतना सारा प्रसाद मिला है, और इसे जल्दी से ही फिनिश करना होता है। तो ऊपर धूप भी बहुत तेज हो गई और छत पर पूजा थी तो काफ़ी अच्छा लगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर दिखेगा तो कहाँ पर पूजा थी, तो उस घर में अभी भी ढोलक वगैरह बज रहे हैं। तो वहाँ पर वो देखिए यहाँ टेंट लगा है, ये तो उस घर में टेंट लगा हुआ है, वहीं पर पूजा थी और काफ़ी मज़ा आई, बहुत सारी लेडीज थी और बहुत सारा एंजॉय किया हमने। और सुबह करीब 8 बजे, नहीं सुबह 6 बजे उठ गई थी मैं, क्योंकि तैयार भी होना था और सारे काम करने थे, और साड़ी काफ़ी दिनों बाद पहन रही थी, और स्कीवी के ऊपर ब्लाउज पहना था, तो कोई भी ब्लाउज समझ नहीं आ रहा था कौन सा पहना, तो इसलिए जल्दी से उठ गई कि चलो जल्दी जल्दी से तैयार होते हैं। तो ये देखो यहाँ पर मैं आपको बैक करके दिखाती हूँ मेरा ये लुक कैसा लग रहा है। इसी के साथ मैं ये सब थोड़ा चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 12:30 और पूजा में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, तो जल्दी से सब चेंज कर लेते हैं और कुछ खाते पीते हैं, क्योंकि भूख भी बहुत ज़्यादा तेज़ लगी हुई है। तो प्रॉपर तरीके से अभी हमने कुछ नाश्ता मतलब खाया तो है, जिनके यहाँ पूजा में गए थे आंटी जी के यहाँ, उनके यहाँ चाय वगैरह नाश्ता वगैरह सब कुछ किया है, लेकिन प्रॉपर तरीके से कोई नाश्ता नहीं किया है, तो वो अब हम करने वाले हैं। और फ्रेंड्स जो है कपड़े वपड़े चेंज कर लिए हैं,
और धूप में आ गए क्योंकि आज बहुत ज़्यादा अच्छी धूप है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। तो मैंने सोचा थोड़े कपड़े वगैरह, 3 दिन से नहीं सूख रहे थे और मैंने कहा कपड़े वपड़े सुखा देते हैं। और वो आपको दिख रहा है वहाँ पर वो टेंट लगा हुआ है वहीं पर, यहाँ यहीं पर पार्टी थी, मतलब पार्टी कह रही हूँ, यहीं पर पूजा थी। तो हम लोग गए थे और हो सकता है अभी कल भी हो, अभी कुछ क्लियर नहीं है क्योंकि कौन किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना वो तो मुझे नहीं पता, तो इसलिए अभी हो सकता है कल भी पूजा। और अगर कल होगी तो डेफिनेटली मैं कोई क्लिपिंग ज़रूर बनाऊंगी पूजा की, क्योंकि इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि क्या बताएं। थक गई हूँ मैं बहुत ज़्यादा। सो चलो चलते हैं नीचे और अब तो कुछ खा ही लेते हैं क्योंकि अब मुझसे नहीं रहा जाएगा, अब वेट नहीं कर सकती मैं थोड़ी भी देर। तो आज का जो नाश्ता बना है सुबह का, वो माँ की तरफ से बना है और वो बना है पूड़ी और आलू टमाटर की सब्जी। और ये देखो कान्हा जी के कपड़े सूख रहे हैं यहाँ पर, उनके वूलन कपड़े हैं तो उन्हें सुखाए हैं। और ये ना क्रिसमस पे लगा हुआ था वही बैलून है। तो चलो देखते हैं नीचे क्या क्या माँ ने बनाया है और खाते, क्योंकि आज तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है और बना बनाया खाना मिलेगा। तो चलो नीचे आ गए, तो मैंने सोचा कि प्रसाद खोल रहे हैं तो आपको दिखाते हैं कि प्रसाद में क्या क्या है। तो ये है वो प्रसाद जो कि आज जो पूजा हुई है माता रानी की, उसमें ये प्रसाद चढ़ता है। तो ये इसमें पेड़े हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें 8 पेड़े हैं। गुड़ चढ़ता है एंड चढ़ती है लैया, और जो लैया होती है वो चने के साथ चढ़ती है। तो ये है आज का प्रसाद जिसे मैं और मेरे हस्बैंड मिलकर ख़त्म कर सकते हैं, मिलकर खा सकते हैं इसको। तो फिलहाल तो सुबह से पानी भी नहीं पिया, वहीं पिया जो तो थोड़ा सा पिया था, बहुत ठंडा था। तो अभी जल्दी जल्दी से पानी वानी पीते हैं और देखें क्या क्या चीज़ें रखी हैं। और इसे हम थोड़ा सा सेफली रख दें ताकि सीले नहीं, क्योंकि खाना हम ही लोगों को है तो टेस्ट बरकरार रहना चाहिए प्रसाद के साथ साथ। तो चलो जल्दी जल्दी से इसे भी कर लेते हैं। सो ये है खाना आज का, और मैंने इसे टुकड़ों में दिखाया क्योंकि इतनी तेज भूख लगी थी ना कि मैंने वीडियो बनाना याद वाद नहीं था, और फिर उनका पहले खा लेते तो मैंने जल्दी से खा लिया। फिर याद आया कि आपसे बोला है कि देख मतलब क्या बनाए खाना, माँ ने क्या बनाया है वो दिखाना है, तो याद आया तो जल्दी से मैंने कहा दिखा देती हूँ। तो ये है टमाटर आलू की सब्जी, ये पूड़ी आधी खाई हुई, आधी मतलब एक खाई हुई है एक बिना खाई हुई है, और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आपको जब भूख बहुत ज़्यादा लगी होती है ना तो टेस्ट मैटर नहीं करता, फिर खाना मैटर करता है कि जल्दी से खाना मिल जाए खाने को। तो चलो वो भी खा लेते हैं। और आज जो पूजा थी वो थी संकटा माता की पूजा, तो बस ये विनती करते हैं कि संकटा माता सबकी विशेष पूरी करे, सबकी मनोकामना पूरी करे, जो मैंने माना है वो भी पूरी करे, और जो आपके लिए अच्छा हो वो भी जल्दी से करे। तो बस इसी के साथ मैं जल्दी से खा लेती हूँ और फिर मिलती हूँ, और अगर कल जाऊँगी तो पक्का वीडियो शूट करूँगी आपके लिए, क्लिपिंग चाहे छोटी सी बनाऊँ, और या फिर अगर किसी ने मतलब बना तो बहुत लोग रहते पर अगर किसी से मिल पाएगी तो ज़रूर ऐड करूँगी। तो चलो खा लेते हैं जल्दी से और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। सो गाइज यहाँ पर नेक्स्ट डे जब मैं रेडी हो रही थी ना, तो मुझे अपने बालों में कुछ हेयर स्टाइल बनानी थी आगे आगे, तो मैंने कहा चलो उसका आपको वीडियो बना के दिखाते हैं कि मैं ना कौन सी ट्रिक से अपने बालों को कर्ल कर लेती हूँ जल्दी कर करना है। तो सबसे पहले मैंने बालों में लगाया है एलोवेरा जेल, और उसके बाद ये सिमसी है जिसे पकड़ भी बोलते हैं, मतलब लोग इससे अपना भगोना वगोना उठाते हैं, उसे मैंने थोड़ा सा हीट किया है और उसके बाद अपने बालों में ऐसे कर्ल किया, और ये देखिए कर्ल कितना परफेक्ट बन गया। अच्छा किसने किसने ये चीज़ ट्राई करी है अपने घर में ज़रूर से कमेंट करके बताएगा, क्योंकि ये तो बचपन में तो हम ये बहुत ट्राई करें, क्योंकि उस समय हमारे पास इतना बजट नहीं था कि हम कर्लर वगैरह ले पाए, तो हम अपने बालों को ऐसे ही कर्ल कर लेते हैं। तो आज मैंने वही ट्रिक अपनाया, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करते हैं, देखो कितना परफेक्ट हुआ है और बहुत सुंदर लग रहा था। तो चलो आगे देखते हैं कि कैसा लग रहा है प्रॉपर।
सेम व्लॉग बट डे सेकेंड है, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि जैसे मैं पूजा में जाऊंगी, मुझे कल भी जाना है अगर इनविटेशन है तो आज मैं वहां भी जा रही हूँ। तो मेरा पूरा ये रहा गेटअप, और पूरा अच्छे से मैं बाद में दिखाऊंगी। तो मैंने जैसे बोला था कि पूजा में जाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि पूजा कैसे क्या हो रही है, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सो चलिए, क्योंकि रेडी हो चुके हैं और टाइम भी हो चुका है। तो ये है दोस्तों वो पूजा जो कि शुरू हो गई है, और यहाँ पर पाटे पे माता रानी बनाई जाती हैं घी से। और ये जो पूजा होती है ना, ये मानने पे होती है कि आप मेरा ये काम पूरा करेंगे तो आपकी पूजा कराएंगे। तो ये वही पूजा है जिसमें सिंदूर वगैरह चढ़ता है, चावल और खोए के लड्डू चढ़ते हैं, उसके अलावा मिठाई भी मिली थी डब्बों में, और उसके बाद कहानी वगैरह होती है माता रानी की जाती, जो कि आगे अभी की जाएगी। और काफ़ी सारे लोग इकट्ठा थे तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और मैंने भी पूजा बहुत अच्छे से करी। तो चलो अब आगे कहानी सुनते हैं कि कहानी क्या है। तो ये रही कहानी। बहू आएगी तो चावल पीसेगी, तो बहू ने क्या किया, क्या कहते हैं, बहू जब आई तो कही चार दाना चावल, हंसने लगी। तो जैसे ही सिर में पीसने लगी तो चावल चावल पूरा भाई चावल ही हो गया भाई। वसान मैया इनकी, संकटा मैया की कहा वो था। तो ये इसी तरह आंटी की कहानी ये भी आ गई। पूरी पूजा मैंने आपको दिखा दी है, मतलब जितनी भी मैं शूट कर सकती थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी पूजा में बैठी थी तो मैं खड़े होकर तो नहीं शूट कर सकती थी, पर जितनी भी कर पाई हूँ वो मैंने आपको दिखा दी। और ये है मेरा गेटअप। तो फिलहाल ये पूजा भी मुझे लगता है संकटा माता की होती है, और ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। और इसमें मुझे बहुत बड़े साइज के, मतलब बहुत बड़े साइज के लड्डू मिले हैं जिन्हें एक दिन में फिनिश करना होता है। तो यस, हमारा आज का व्लॉग, ये पूरा व्लॉग, ये पूरी पूजा की जर्नी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा, और चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।